पीलीभीत में बरेलवी और देवबंदियों को नमाज पढ़ने को लेकर मामला गहराता जा रहा है। आरोप है कि बरेलवी को मानने वाले मुस्लिम लोगों ने देवबंदियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, अब देवबंदियों को उनके मदरसों में भी नमाज पढ़ने को लेकर एतराज जताया जा रहा है। हमने नहीं मना करा, ये हमारे कुरान और हदीस का हुक्म है, जो भी इस्लाम से खारिज है तो वो हमारी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकता। और ये गुस्ताखे रसूल है, मोहम्मद साहब के इनके पेशवाओं ने तौहीन करी है, वो किताबों में मौजूद है, जब चाहेंगे किताबें आपकी दिखा दी जाएंगी। और ये और यहाँ पर जो मस्जिद वाला मैटर है, मस्जिद का मैटर नहीं है, ये स्कूल का, स्कूल में ये नमाज कायम करना चाह रहे हैं, जो नई परंपरा है। शहर में लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और मैं खाली देवबंदी नहीं, किसी भी विचारधारा कोई भी अगर हमारे बरेलवी थाट का कोई नई परंपरा डालेगा, मैं उसका विरोध करता हूँ। शहर में कोई नई परंपरा नहीं पढ़ना चाहिए, इसी परंपराओं को लेकर ही हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। कुकरी खेड़ा में भी यहाँ पर भी रमज़ान से पहले दंगा हुआ, एक वहाँ पर एक हिंदू कत्ल करा गया, और उससे पहले भी शागड़ में भी झगड़ा हुआ। तो लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने ही रोक लगाई है, और हमारी तरफ यही कहना मकसद है कि हमारी मस्जिदों में कोई भी वहाबी देवबंदी नमाज नहीं पढ़ सकता। तस्वीरों में मस्जिद के ऊपर लगा ये बोर्ड इस खबर की असलियत बयान कर रहा है। इक्का दुक्का मस्जिदों को छोड़कर यहाँ सभी मस्जिदों के अंदर वो बाहर देवबंदियों के लिए पाबंदी वाला ये बोर्ड देखने को मिलता है। वहीं अगर कानून की माने तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी इबादत कर सकता है, लेकिन यहाँ कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरोप है कि जब भी कोई देवबंदी नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो उसे पीट कर भगा दिया गया। यहाँ बसे देवबंदियों ने बताया कि इस बार ईद के मौके पर नमाज पर पाबंदी लगा दी गई थी, और बीते दिनों उनकी सोच रखने वाले एक शख्स को सरेआम पीटा था। इस मामले के चलते करीब 200 लोगों पर FIR हुई थी। देवबंदियों का कहना है कि बरेलवी के लोग उनसे नफरत करते हैं और उन्हें आतंकवादी समझते हैं। वहीं प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा, और तो और उनकी शिकायतें सुनकर उन्हें टाल देता है। कुछ पोस्टर लगा रखे हैं जिसमें ये बरेलवी फिरके के अलावा जितने भी तबके के लोग हैं सबका आने की पाबंदी लगी हुई है उसमें। इसलिए हमने कई बार हमारा दूसरी मस्जिदों में झगड़ा भी हुआ, हमें हमारे साथ मारपीट भी की गई, हमें मस्जिद से बाहर भी निकाला गया। तो इस सब फसाद से बचने के लिए हमने 10 साल पहले यहाँ पे फैसला किया कि अपने स्कूल के एक हिस्से में 2 कमरे खाली करके उसमें नमाज का इंतज़ाम किया जाए। तो वो हम 10 साल से मुसलसल नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं उसमें, और किसी तरह की हमें कोई न किसी से कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई परेशानी हुई, ना किसी को हमारे आस पड़ोस के मोहल्लों वालों को परेशानी है। सब हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं मोहल्ले के हमारे लोग। लेकिन अचानक ईस्ट के एक दिन पहले 4 जून को सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से हमें एक नोटिस मिला जिसमें हमें पाबंद किया गया कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप गलत कर रहे हैं और इसका आप जवाब दें। तो और हमें फिर थाने बुलाया गया। थाने बुलाने के बाद हमारे पर प्रेशर डाला गया कि आप कल ईद की नमाज़ यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रशासन के दबाव में हमने तय कर लिया कि चाहे ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद से हम मुसलसल सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिलने की कोशिश करते रहे। 8-10 दिन तक परेशान रहे, बड़ी मुश्किल से उनसे मुलाकात हो पाई, तो उन्होंने सही ढंग से बात नहीं की। फिर DM साहब के पास गए, उनसे बात की, तो उन्होंने ADM साहब को जांच के आदेश दे दिए कि आप जांच करके बताएं। 10-12 दिन करीब इसको भी हो चुके हैं, ADM साहब भी रोज़ वादा कर रहे हैं कि वहाँ जाते हैं, कल आते हैं, आज तक वो भी नहीं आए हैं। अब ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएँ नमाज़ पढ़ने के लिए, हम किसके आगे गुहार करें अपनी परेशानी की। दूसरी मस्जिद में जाते हैं, झगड़े का अंदेशा रहता है, अपने यहाँ पढ़ते हैं तो प्रशासन का दबाव पड़ा है कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ये इस तरह एक तरह से हमारा मौलिक अधिकार का हनन है, और ये हमें जो आज़ादी मिली हुई है हमारे दस्तूर के रूप से उसका बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है, और हमें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने शांति व्यवस्था को देखते हुए देवबंदियों को नमाज न पढ़ने का नोटिस तो दे दिया, लेकिन इस मामले को अभी तक वो पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। इस बात को लेकर देवबंदी मुस्लिम अब हाईकोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। दो समुदायों के बीच के विवाद का मामला था जिस पर ये संज्ञान में आया था कि मदरसे में नमाज पढ़ी जा रही है, तो चूंकि शांति व्यवस्था का मामला था इसलिए ADM न्यायिक को जांच देते हुए वर्तमान स्थिति में उस पर रोक लगाई है। जो मदरसे वाले उनका कहना है कि मुझे अन्य मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है, तो हमने अपनी जगह पर नमाज़ पढ़ना ठीक समझा, उस पर रोक लगा दी गई। इसमें प्राथमिक तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट से पूछा गया था, तो उन्होंने ये बताया था कि इनकी एक मस्जिद है जिस पर ये
विगत वर्षों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पूरी जांच के लिए एडीएम न्यायिक को अधिकृत किया गया है और उनकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला निर्णय लिया जाएगा। जो वो लोग देवबंदी, उनका कहना है कि सारी मस्जिदों में ये लगा दिया गया बैनर वहाँ कि देवबंदी लोग हमारा नमाज पढ़ने नहीं आएंगे सारी मस्जिदों। जाँच कर लें उसके पश्चात, चूँकि दो समुदायों का मामला है इसलिए जाँच के पश्चात ही हम इसमें निर्णय ले पाएंगे।